तो ये जो मैं आपको आज प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ वो प्रिंटर है DCP L2541DW। ठीक है, तो आज इस प्रिंटर के बारे में आज आपको मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये प्रिंटर के अंदर से देखिए, अभी ये एक USB केबल है, इसका ड्राइवर का सीडी है, उसके बाद ये है टोनर का पाउच, जिसमें टोनर अलग से आता है, जो हमें टोनर जो है प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करना होता है। ये प्रिंटर के अंदर का ये उसका सील जैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंटर जो है, ये दिखने में आपको ऐसे दिखेगा। इसका ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले दिया है, DCP L2541DW। उसका मॉडल दिया है, यहाँ पे बटन दिया है, ये पावर ऑन के लिए, स्कैन के लिए है, वाईफाई का है, ये कॉपी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे मेनू है प्रिंट क्लियर करने के लिए, यहाँ पे है ओके, प्लस माइनस, माने आपको अगर कॉपी ज़्यादा बढ़ानी है उसके लिए है। यहाँ पे स्टॉप, प्रिंट स्टॉप करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे ये जेरोक्स जिसे हम कहते हैं ना, एक्चुअली एक छोटा सा जेरोक्स मशीन भी आप इसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, ये स्कैनर है, यहाँ पे स्कैनर है, A4 साइज़ यहाँ पे स्कैन होती है, यहाँ पे A4 साइज़ पेज यहाँ पे स्कैन होता है। और उसके बाद अगर आपको लेटर साइज़ या लीगल साइज़ आपको अगर करना है तो आपको यहाँ से देना होगा, ठीक है। अगर यह आप यहाँ पे रखते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको वो पेज रखना है, तो यहाँ से वो पेज जाएगा और नीचे से वो प्रिंट ये स्कैन होके आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है यहाँ पे पेजेस ट्रे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेजेस इंसर्ट करने हैं, ये जो है यहाँ पे आपको पेजेस डालने हैं और ऐसे लगा देना है, ठीक है। वापस से दिखाता हूँ, ओके। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो टोनर होता है, वो टोनर के लिए आपको ये देख, ये जो है ना, ये आपको ऐसे खोलना होगा, यहाँ पे देखो ऐसे फिट होता है दोनों साइड से, यहाँ पे दोनों हाथ लगा के आपको इसको निकालना है, क्योंकि मेरे हाथ में एक कैमरा है, तो मैं अभी एक ही साइड से मुझे खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ये आपका टोनर का ये है, ठीक है। तो ऐसे आपको टोनर निकलने वाला है, ये ट्रे होता है और ये टोनर का ट्रे है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर जो है, यहाँ पे आपको आपका टोनर मिलेगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ये नीचे करके ये टोनर आपको बाहर निकालना है। और ये टोनर है, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये टोनर है। और मैं दिखाता हूँ कि ये टोनर कैसे वापस से आपको बिठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये टोनर जैसे बिठा दिया, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है, इसे ड्रम वगैरह सब, ये ड्रम यूनिट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। मैं वापस से इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये भी प्रिंटर के अंदर अच्छे से जा चुका है, ठीक है। इसे मैं लगा देता हूँ, लगाने के बाद वापस से इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इसे अभी मैं ऑन कर देता हूँ, ओके। तो ये प्रिंटर ऑन हो रहा है, अभी वो इनिशियलाइज हो रहा है, देखो ये इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे कोई स्कैन, जैसे अभी मुझे ये वाला पेज प्रिंट करना है, जेरोक्स करना है, तो मुझे क्या करना है कि ये वाली जो साइड है यहाँ पे ऐसे रखनी है, और ऐसे रखने के बाद मैं इसको अभी नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक,
तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं स्टार्ट कर दिया तो अब ये झॉक्स हमारा निकलने के लिए रेडी है। ठीक है, देखिए ये पेज हमारा झॉक्स होके निकला है और बहुत ही फास्ट स्पीड है इस प्रिंटर का, बहुत ही फास्ट स्पीड है, बहुत ही जल्दी प्रिंट इसका बाहर निकल के आता है। तो अभी दूसरा मैं एक आपको पेज प्रिंट निकलवा के देखता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि इसको अंदर डाल देता हूँ, इस पेज को अंदर डाल दिया। और अगर आपके पास कोई लीगल साइज पेज है, लीगल साइज पेज है, तो आपको क्या करना है, इस जो है ये तो ऐसे निकाल के आपको, देखिए अभी ये आपको ऐसे रखना है, मतलब जो साइड आपको स्कैन करनी है वो साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है। ठीक है, अगर आप ऐसे रखते हैं तो देखिए अभी मैं वापस से स्कैन कर देता हूँ। ओके, तो ये लीगल साइज़ है, तो ये लीगल साइज़ पूरा ले लेगा। और देखो जो स्कैन होके इधर आ गया है और जो प्रिंट होके पेज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्कैनिंग और प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी इसके साथ जो यूएसबी केबल मिला है वो यूएसबी केबल आप प्रिंटर में इंस्टॉल करके भी आप प्रिंट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको वाईफाई फैसिलिटी भी दी गई है। वाईफाई फैसिलिटी अगर आपको यूज़ करना है तो आपके ऑफिस में या घर पे आपको एक राउटर होना ज़रूरी है, वाईफाई राउटर। और आपका ये प्रिंटर और आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो राउटर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये वाईफाई कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने मोबाइल के साथ भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का हॉटस्पॉट आपको ऑन करना होगा तभी ये प्रिंट दे पाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी जो आने वाली नई वीडियो है वो मिलते रहे। देखते रहिए इट्स शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।